हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। और आज हम डिस्कशन करने वाले एक PYQ का, ये PYQ है, जैम का क्वेश्चन है और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है जैम के अंदर, और क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इमीटर करंट इन द गिवन सर्किट इन माइक्रो एम्पेयर। तो माइक्रो एम्पेयर के अंदर आपको इमीटर करंट की वैल्यू बतानी है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज डायग्राम के अंदर दे रखी है, आप ध्यान से देखोगे तो डायग्राम पूरा भरा हुआ है। इसमें सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू और जो जो भी क्वांटिटीज हमको चाहिए वो सारी दे रखी है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द इमीटर करंट इन द गिवन सर्किट इज, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इमीटर करंट की, IE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इमीटर करंट कहाँ से जाती है, ये इमीटर से जाने वाली करंट को इमीटर करंट बोलते हैं, ये अपन को फाइंड आउट करनी है। सिंपली कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये क्या है ये समझना पड़ेगा। ये है बाईपास कैपेसिटर, ये इमीटर पे आने वाले हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को डायरेक्टली क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ये इमीटर पे नहीं आने देता है, ये एम्पलीफायर कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर तो एक बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर का डीसी एनालिसिस। और जब भी हम ट्रांजिस्टर का डीसी एनालिसिस करते हैं तब हम इनको क्या मान लेते हैं, डीसी का मतलब फ्रिक्वेंसी कितना, जीरो, और एक्सी कितना होता है, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो कितना था, 1/ωC या 1/2πfC। एफ कितना है, जीरो है, तो ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, टेंस टू इंफिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका, अगर इसका रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस इन्फिनिटी है, मतलब ये कोई करंट को फ्लो नहीं होने देगा। अगर ये कोई करंट को फ्लो नहीं होने देगा तो इस ब्रांच को अपन पूरा ही हटा ही सकते हैं, मतलब इसमें से कुछ फ्लो नहीं हो सकता, सारा का सारा सिग्नल जो जाएगा वो इधर से ही जाएगा। ठीक है, सारा का सारा डीसी करंट जो जाएगा इधर से जाएगा, सिग्नल नहीं, सिग्नल एसी होता है। ठीक है ना, तो एसी सिग्नल के लिए तो ये यूज किया जाता है, लेकिन जो डीसी होगा ना, डीसी सिग्नल इसमें से नहीं जा सकता, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज इसमें से इसमें से क्रॉस नहीं कर सकती डीसी करंट। तो डीसी करंट जब इसमें से नहीं जाएगी तो अपन इसको हटा ही लेते हैं ना डीसी एनालिसिस के लिए, क्योंकि अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, डीसी एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, डीसी एनालिसिस, तो डीसी एनालिसिस के केस में हम कैपेसिटर को हटा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा जो मैंने यहां पर इसमें समझाया कि एक्सी इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि डीसी के लिए क्या होता है, फॉर डीसी लिख देता हूं, फॉर डीसी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। ठीक है, डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, इसलिए एक्सी कितना होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होता है इसको हटा सकते हैं, इसको बोलते क्या है, बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डीसी एनालिसिस कर रहे हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है, विद इन 3-4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पर अपन को एक वोल्टेज दे रखी है VCC। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से VCC वोल्टेज दे रखी है, और यहाँ पर इनपुट केबल लगाएंगे, तो इनपुट केबल लगा सकते हैं, तो देखिए इनपुट केबल लगा देते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, प्लस, ये माइनस, और ये है ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है, तो प्लस माइनस और ये ग्राउंड हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और ये ग्राउंड, तो ये आ जाएगा प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस तरह से जाते हुए इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनपुट केवीएल हम इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर ये करंट क्या होगी, बेस टर्मिनल में जाने वाली करंट होगी IB, और कलेक्टर टर्मिनल में जाने वाली करंट क्या होगी, IC। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात याद रखना कि ये होगी IC और ये होगी IB। यहां पर वोल्टेज कितनी, 0.3, और बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए इनपुट केबल लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 10 वोल्ट, और वो भी किसका, नेगेटिव का, क्योंकि इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा -10 वोल्ट। प्लस जब इधर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, IB into 2 मेगा ओम, तो ये आ जाएगा IB into 2 मेगा ओम। ठीक है, केबल लगाने पे फिर जब नीचे आएंगे और, तो ये क्या मिलेगा, बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज मिलेगी जो कि है 0.3 वोल्टेज, तो इसको ले लेंगे 0.3 वोल्टेज। अब नेक्स्ट देखिए
कि यहां पर ये जो है ना, यहां पर भी करंट फ्लो होगी, और मुझे ये बताइए कि इमीटर में कौन सी करंट फ्लो होती है, इमीटर करंट आई तो इमीटर करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस एक वोल्टेज बना देगा, तो यहां पे आ जाएगा वी और यहां पे आ जाएगा आई ई इंटू आर ई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन आर ई कितना दे रखा 2 किलो, तो आर ई नहीं लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे सीधा ही 2 किलो, 2K इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब ग्राउंड आ चुका है। तो केबल कहां से कहां तक लगती है, ग्राउंड से ग्राउंड में लगती है केबल, ठीक है। ये सब हटा लेते हैं, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में लगा सकते हो, लेकिन उन दो पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो केवीएल उनके बीच में भी लगा सकते हो, बीच में कितने भी कंपोनेंट हो, लेकिन फिर जीरो नहीं लिखोगे, फिर लिखोगे वी ए बी, और वी ए बी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राउंड से ग्राउंड लगा रहे हैं ना, इसीलिए डायरेक्ट जीरो लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब यहां पर आ गया -10, यहां आ गया आई बी इंटू 2 मेगाओम, यहाँ 0.3 और यहाँ आई ई इंटू 2K। अब 10 में से 0.3 वोल्टेज गया, वोल्टेज हटा लो, ये वोल्टेज का साइन हटा लो, 0.3 गया 10 में से, कितना बचेगा 9.7, तो इधर आ जाएगा 9.7, इधर कितना आ जाएगा आई बी इंटू 2 मेगा प्लस आई ई इंटू 2K, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बीटा कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, बीटा 100 दे रखा है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, बीटा कितना दे रखा 100। नाउ गिवन क्या है, बीटा इक्वल टू आई बी अपॉन, सॉरी आई सी अपॉन आई बी, बीटा क्या होता है आई सी अपॉन आई बी इक्वल टू 100 दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास आई सी कितना आ जाएगा, आई सी आ जाएगा 100 बीटा, आई सी इक्वल टू कितना जाएगा 100 आई बी, और नेक्स्ट पेज पे करते हैं 100 आई बी, और हमें क्या पता है, ये डायग्राम है और लास्ट वाली इक्वेशन देख लीजिए, आई सी इक्वल टू 100 आई बी, लेकिन हमें पता है कि आई ई कितना होता है, ये इक्वेशन वापस लिख देता हूँ, आई सी इक्वल टू कितना आ गया 100 आई बी, लेकिन हम जानते हैं कि आई ई कितना होता है, इमीटर करंट वो होता है आई सी प्लस आई बी, तो आई ई कितना हो जाएगा इमीटर करंट, यहाँ देखो आई सी की जगह क्या लिख दूंगा 100 आई बी, यहाँ लिख देते हैं 100 आई बी, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आई बी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 101 आई बी, 101 आई बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते और इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको 101 आई बी, ठीक है, इसको भी एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। बस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ जो दे रखा है ना आई बी, यहाँ इसकी आई में वैल्यू रख दो, आपके आंसर आ जाएगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर कर लेते हैं, बाय इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या दे रखिए, आई बी इंटू 2 मेगाओम प्लस आई ई इंटू 2 किलोओम इक्वल टू 9.7, तो इक्वेशन दे रखी है आई बी इंटू 2 मेगाओम प्लस आई ई इंटू 2K, 2K दे रखा ना, 2K इक्वल टू 9.7, इक्वल टू कितना दे रखा 9.7, और आई बी कितना है देखो, आई बी कितना हो जाएगा, चलो इसको इक्वेशन 2 नहीं देते हैं, यहाँ इक्वेशन 2 लिखते हैं आई बी को, आई बी को क्या लिख सकते हैं आई ई अपॉन 101, तो इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकेंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते, ठीक है, क्योंकि अपन को आई इमीटर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इमीटर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहां पर आई बी को क्या लिख सकता हूँ, आई बी को मैं लिख सकता हूँ आई ई अपॉन 101 इक्वेशन सेकंड से, तो आई ई को इसको लिख सकते हैं 101 इंटू 2 मेगाओम प्लस यहां पर आ जाएगा आई ई और यहाँ आ जाएगा 2K और इधर आ जाएगा 9.7, बस आई ई को कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 2 मेगा ओम, मेगा मतलब 10 to the power 6, 10 to the power 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3, किलो ओम में बदल जाएगा ना, तो 10 to the power 3 किलो कर सकते हैं, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 101, ठीक है,
आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है चलो एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि अगर दिक्कत ना हो इसे, 2 mΩ/101 आ जाएगा प्लस इधर 2 क्या आ जाएगा और इधर आ जाएगा 9.7। एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ मेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10³ मतलब 2000 और पीछे क्या बच जाएगा किलो ओम और यहाँ आ जाएगा 1001 और इधर भी आ जाएगा 2k = 9.7। अब ये क्वांटिटी जो है ना मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ और बताता हूँ कि इसका क्या वैल्यू आएगी। ठीक है किलो ओम में तो 2000 / 101 और ये प्लस 2k जो है ना ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ये 2k दे रखा ना ये भी ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया प्लस 2 ऐड कर दिया। ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो आई है ना ये मैं आगे लिख देता हूँ और इसमें जो लास्ट तक जो डिजिट आ रही है ना उनको लेना है। ठीक है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 21.80 और साथ में आया है 19802 और साथ में आ जाएगा किलो। किलो क्यों आएगा क्योंकि यहाँ देखो किलो किलो है ना के तो ये अपन को लिखना है इक्वल टू क्या आ गया 9.7। अब इस 21.80 का डिवाइड कर दो तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई ई क्या आ जाएगा 9.7 में अगर डिवाइड करेंगे तो मैं कर देता हूँ डिवाइड तो ये हमारे पास आया 0.449 and 1 ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है अब यहाँ पर देखो किलो भी था ना, ये किलो भी तो नीचे जाएगा तो किलो जब उधर जाएगा तो इधर कितना है 10³ में है तो चलो अभी डिवाइड लगा देते हैं। तो ये किलो कितना होता है 10³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ और 10⁻³ को क्या बोलते हैं मिली एम्पियर तो ये मिली एम्पियर बन जाएगा। ठीक है तो आई ई कितना आ जाएगा 0.44491 मिली एम्पियर। लेकिन देखिए कि हमको पूछा क्या गया है माइक्रो एम्पियर में आंसर पूछा गया है, मिली एम्पियर में नहीं पूछा गया है तो माइक्रो एम्पियर में आंसर लिख देते हैं। तो माइक्रो एम्पियर के लिए आंसर में क्या करना पड़ेगा माइक्रो बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10⁻³ इस माइक्रो को मिली एम्पियर को किस में बदल देगा माइक्रो में और ये 10³ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 444.91। ठीक है तो ये 444.91 बन जाएगा तो ये हट गया मल्टीप्लाई हो गया। अब 10³ मिली एम्पियर में जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइक्रो एम्पियर। ठीक है तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं इसको माइक्रो एम्पियर। ठीक है अब यहां पर पूछा गया है वापस से देखो क्वेश्चन पूछा गया है राउंड ऑफ टू 1 decimal place तो 1 decimal place तक ही राउंड ऑफ करना है तो 1 decimal place तो पीछे 1 है तो इसको छोड़ सकते हो तो आई राउंड ऑफ होके कितना आ जाएगा राउंड ऑफ होके आ जाएगा 444.9 तो ये राउंड ऑफ होके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है 444.9 माइक्रो एम्पियर। तो इसी के साथ गाइस ये डिस्कशन वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा कि इमीटर करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ इनपुट केवीएल लगाना है, इनपुट केवीएल लगा के आप इजीली इमीटर करंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।